नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के आरोपों में निलंबित हुई भाजपा नेता नुपुर शर्मा एक तरफ जहां अपने देश के मुसलमानों के विरोध को झेल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक देशों ने भी नुपुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला दिया। करीब 10 इस्लामिक देशों ने भारतीय राजदूतों को तलब कर अपनी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिमों से ही मिल रहा समर्थन ऐसे जिहादी गैंग्स के लिए करारा जवाब है। देश के मुसलमानों ने नुपुर के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में FIR दर्ज कराई है। नुपुर को रेप और जान से मारने की लगातार मिल रही धमकियों ने प्रशासन की भी नींद हराम की हुई है। नुपुर के खिलाफ जो इस्लाम विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ नीदरलैंड के सांसद, पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह और पूर्व पुलिस अफसर DG वंजारा नुपुर के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। नुपुर को मोहरा बनाकर देश का मुसलमान देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इस्लाम के इन ठेकेदारों ने नुपुर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, तो फिर कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का क्या मतलब है? जान से मारने की धमकी देना, रेप की धमकी देना किस लिहाज से सही मानते हैं? नुपुर को मुस्लिमों से ही मिल रहा समर्थन इनके मुंह पर करारा तमाचा है। आइए जानते हैं अब तक किसने नुपुर शर्मा को समर्थन दिया और क्या क्या कहा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है नीदरलैंड से सांसद गिट बिल्डर्स का। बिल्डर्स ने कहा, यह बहुत हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर के बारे में सच बताने पर भड़के हुए हैं। भारत क्यों माफी मांगे? तुष्टिकरण कभी काम नहीं करता है, ये चीजें और ज्यादा खराब करती हैं। इसीलिए भारत के मेरे मित्रों, आप मुस्लिम देशों की धमकी में नहीं आए, आजादी के लिए खड़े हों और अपने नेता नुपुर शर्मा के बचाव में गर्व महसूस करें। इसके बाद इस लिस्ट में नाम आता है गुजरात के पूर्व पुलिस अफसर DG वंजारा का। DG वंजारा कहते हैं कि नुपुर शर्मा का बयान ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से सत्य है, इसीलिए इस पर किसी भी तरह की कानूनी या राजनीतिक कार्रवाई नहीं हो सकती है, वो भी ऐसे वक्त जब जिहादी उसे मौत और बलात्कार की धमकी दे रहे हैं। ये कायरतापूर्ण कारनामा है। भारत के सम्मान की रक्षा के लिए सभी हिंदुओं को उनका साथ देना चाहिए। अक्सर पाकिस्तान की भारत विरोधी नीतियों पर मुखर होकर बोलने वाले तारिक फतेह भी इस लिस्ट में जुड़ गए हैं। तारिक फतेह सही बोलते हैं, लेकिन उनके बोलने से भारत के जिहादियों को अक्सर मिर्ची लगती है। एक बार फिर तारिक से ये बयान जिहादियों को मिर्ची लगी है। तारिक का कहना है, इस्लामिक जिहादी नुपुर को धमकियां दे रहे हैं, पुलिस को उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तारिक ने कहा, लोग हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक बना लेते हैं, उस पर कोई नहीं बोलता, लेकिन अगर नुपुर ने कुछ बोल दिया तो उसके लिए इतना बखेड़ा बना दिया। नाइजीरिया में एक मुसलमान ने चर्च में लोगों को मार डाला और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बात को उठा सके। तारिक के इस बयान से जिहादी गैंग बौखला उठे हैं। तारिक ने जो भी बोला है वो सच बोला है, जिससे लिबरल कहे जाने वाला जो गैंग है उसकी पोल तो जरूर खुल गई। इन दिनों ज्ञानवापी को लेकर देश के साथ साथ विदेशों में भी जंग छिड़ी हुई है। 27 मई को की गई नुपुर की टिप्पणी ने देश में मौजूद जिहादियों को एक बार फिर से मुखौटा हटाने का काम किया है। जितने लिबरल गैंग थे सबका पर्दाफाश हो गया है। कानपुर को इसी वजह से आग के हवाले किया गया। नुपुर तो इस मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर ही रही है, लेकिन इन दंगाइयों का योगी के बुलडोजर से बचना नामुमकिन हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल TV के साथ। नमस्कार।